हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा द गुलमर्ग टूर पे। ये है हमारा पहलगाम का रिसॉर्ट। जाने से पहले हमने सोचा कि जो बैकयार्ड के पास लीडर रिवर बह रही है उसमें अच्छे अच्छे क्लिक्स ले लेते हैं। सो इन द मॉर्निंग वी एन्जॉयड द ग्रेट व्यू ऑफ द रिवर एंड माउंटेन्स, और जो फ्रंट साइड में ये जो ट्रीज थे, वालनट ट्रीज थे रिसॉर्ट के पास, सो वी क्लिक दैट ऑल्सो। सो फाइनली टाइम आ गया है पहलगाम से जाने का, और माय फेवरेट द मैजेस्टिक लीडर रिवर को हम कह रहे हैं अलविदा, और हम निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए। अनंतनाग से निकलकर पुलवामा को क्रॉस कर अब हम आ गए हैं श्रीनगर की पेरीफेरी में, बेमिना के पास। और देखिए दोस्तों, पेरीफेरी ऑफ श्रीनगर इज़ हैविंग सो मच गुड रेजिडेंशियल एरिया। द हाउसेज बिल्ड आर वेरी 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 फैंटास्टिक। और ये है स्कीम्स, वन ऑफ द रिनाउड मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीनगर। रास्ते में वी गॉट टू सी द बजरंगी भाईजन बस ऑल्सो। और अब हम पहुंच गए हैं द गेटवे टू गुलमर्ग, टर्न ले रहे हैं गुलमर्ग के लिए। और फ्रेंड्स हम आ गए हैं मगाम में। मगाम एक्चुअली बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है एंड इट इज कॉल्ड द गेटवे टू गुलमर्ग। और मगाम ज़्यादातर अपना जो लोकल मार्केट एस्टैब्लिशमेंट है उसी के लिए फेमस है। मगाम से होते हुए अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तंगमर्ग, और तंगमर्ग तक जो रास्ता है सीधा सीधा ही है, और तंगमर्ग के बाद जो मेन पहाड़ पे चढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी गुलमर्ग के लिए। और गुलमर्ग की वाइब्स आना स्टार्ट हो गई है, और अब तंगमर्ग से अब हम टर्न ले रहे हैं गुलमर्ग के लिए। तंगमर्ग से बारामूला डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, और तंगमर्ग और गुलमर्ग दोनों ही बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तंगमर्ग को भी गेटवे ऑफ गुलमर्ग कहा जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज शैन कॉल, दैट मीन्स ब्रुक ऑफ स्नो। और ये जो पूरा रास्ता है फ्रेंड्स, एकदम मतलब एक अलग ही व्यू है इसका। और पूरा जो हमारा रोड है पाइन और फिर ट्री के फॉरेस्ट से क्रॉस होते हुए हम अपहिल जा रहे हैं। द व्यू इज़ फैंटास्टिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड्स गुलमर्ग जो है वो एक पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन है, और प्लस यहाँ पे काफ़ी विंटर स्पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू CNN गुलमर्ग इज़ द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, और इसके अलावा इसे एशिया का 7th बेस्ट स्की डेस्टिनेशन रेटेड किया गया है। और धीरे धीरे अब हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, और रास्ते में काफ़ी सीनरीज ऐसी आती है जहाँ आप स्टॉप करके गुड क्लिक्स एंड पिक्चर्स ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं, और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, गुलमर्ग जा रहे हैं। और प्लान तो ये है कि पहले जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हमारा मोस्ट अवेटेड गोंडोला राइड के लिए। सो अब पहुंच गए हैं हमारे होटल पे, सो लेट्स चेक इन।
सो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारी गोंडोला राइड के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गोंडोला का केबल कार राइड स्टेशन, और यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। इवन ऑनलाइन टिकट्स होने के बावजूद भी हमें 1-2-3 घंटा तक भी लाइन में वेट करना पड़ सकता है। और आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, सो वी हैव टू वेट। सो फाइनली हम अब ऊपर आ चुके हैं। यू कैन सी द गोंडोला केबिन्स। गोंडोला जो है ये एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड केबल कार है, अ काइंड ऑफ रोप वे, और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और फ्रेंच फर्म पोमोगेल्स्की का जॉइंट एफर्ट्स है। गुलमर्ग में जो हाईएस्ट माउंटेन पिक है वो है अफरवट पिक, और गोंडोला की राइड से आप उसके करीब तक पहुंच सकते हो। एक्चुअली ये जो गोंडोला राइड है ना, ये 2 फेज़ में डिवाइडेड है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। हम अभी जा रहे हैं फेज़ 1 पे। फेज़ 1 आपको कोंगदोरी माउंटेन की वैली में लेके जाएगी, कोंगदोरी वैली में, और जो फेज़ 2 है वो आपको कोंगदोरी माउंटेन लेके जाएगा, विच इज़ वन ऑफ द शोल्डर ऑफ अफरवट पिक। और ये फेज़ 1 में अभी हम जा रहे हैं 8,530 फुट अबाव गुलमर्ग रिसोर्ट, और जो फेज़ 2 है वो आपको 12,293 फुट अबाव लेके जाएगा। एंड इट टेक्स 9 मिनट्स फॉर फेज़ 1, और फेज़ 2 के लिए 12 मिनट लगती है। और हमारे लाइफ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 9 मिनट्स जी के अब हम पहुंच गए हैं टूवर्ड्स द कोंगदोरी वैली। और गोंडोला फेज़ 1 की तरफ हम जा रहे हैं। सामने ऊपर जो आपको यहाँ से दिख रहा है वो है फेज़ 2 ऑफ गोंडोला केबल राइड, वो है कोंगदोरी माउंटेन। सो फ्रेंड्स, लेट्स एन्जॉय द वंडरफुल एंड स्पेक्टेक्युलर व्यू फ्रॉम द फेज़ 1। आप देख सकते हो कि ये जो सामने रेड कलर के कैबिन्स हैं ये फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं। इवन चेयर लिफ्ट भी है सामने फॉर स्कीयर्स, वो मोस्ट प्रोबेबली विंटर में ही ये लोग उसको शुरू करते हैं। और ठंड काफ़ी बढ़ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। फेज़ 1 वॉज फन, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन हम फेज़ 2 पे जा नहीं पाए थे, और इसलिए अब हम रिटर्न हो रहे हैं टूवर्ड्स द गुलमर्ग रिसोर्ट। लेकिन जाने से पहले हम फेज़ 2 को कहकर आए हैं, मैं वापस आऊँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली फेज़ 2 इज द मस्ट विजिट स्पॉट इन गुलमर्ग, सो इन फ्यूचर गुलमर्ग विल कॉल अस अगेन। और गुलमर्ग की ये जो गोंडोला राइड का एक ये भी फैक्ट है कि ये एशिया की सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट केबल कार राइड है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं गोंडोला राइड स्टेशन के बाहर,
और यहाँ से भी गोंडोला केबल राइड्स हमें दिख रही है। सोच रहे हैं थोड़ा गुलमर्ग का लोकल साइट सीइंग कर लें, बिकॉज़ दिस प्लेस इज़ मेसमराइजिंग। सो लेट्स हायर सम पोनी। और फ्रेंड्स, हमने अब पोनी ले ली है। स्टार्टिंग में काफ़ी डर लग रहा था बैठने में, बट अब थोड़ा सेटल हो चुके हैं, इवन थोड़ा चलाना भी आ गया है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जी हाँ, चाबी इसी होटल के रूम की खोई थी, 305 नंबर के रूम की। ये वही होटल है जहाँ पे बॉबी पिक्चर का ये सॉन्ग पिक्चराइज किया गया था, द होटल हाईलैंड पार्क। सो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं IISM की तरफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्की ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग। ये जो सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ब्राउनिश, वही है IISM। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिनव्ड इंस्टीट्यूट इन स्की ट्रेनिंग इन इंडिया। और अब हम आ गए हैं सेंट मैरी चर्च और चिल्ड्रंस पार्क की तरफ। जब तक है जहाँ जो मूवी थी उसकी भी शूटिंग इसी तरफ हुई थी। और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द गुलमर्ग्स गोल्फ कोर्स। और फ्रेंड्स, ये जो गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है, ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज इन गुलमर्ग, इंडिया। गुलमर्ग का मौसम और बॉम्बे का फैशन का कोई भरोसा नहीं, एज सेड बाय अवर पोनी राइडर। सो हमें पोनी को एक्साइट करके कैब से जल्द से भागना पड़ा, बिकॉज बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी एंड इट वॉज स्नोइंग एट द पिक्स। बाकी की शाम हमने रूम में एकदम कोजी कोजी होके गर्मा गर्म चाय पी के और मई के महीने में इतनी ठंडी एक्सपीरियंस करके बिताई। एंड देन वी हैड अवर डिनर इन द होटल। पूरी रात काफ़ी ठंड रही, 11 to 12 डिग्री बारिश थी यहाँ पे और माउंटेन्स पे स्नोफॉल हो रही थी। और जब सुबह उठकर जो माउंटेन्स का नज़ारा देखा, इट वाज एक्सक्विजिटिव, बेस्ट व्यू एवर। बहुत बहुत सुंदर, मतलब आप सुबह उठो अपने रूम से और ऐसे सीन रोज़ देखने को मिल जाए, वाह माशाल्लाह। Seeing the view, I became poetic. I was like, oh dear Himalaya, why are you so amazing? Can I kiss your peak or can I just let your silence speak? और इतने अच्छे ब्यूटिफुल व्यूज के बाद तो कोई भी कहने वाला है दैट आई एम इन लव विद गुलमर्ग। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम चलेंगे गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए एंड हम करेंगे लोकल साइट सीइंग ऑफ श्रीनगर। So stay tuned and do subscribe, and thanks for watching.